हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम सीखेंगे राजस्थानी मशहूर गट्टे बनाने की प्रक्रिया। हाँ दोस्तों, आज हम गट्टे बनाने सीखेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेसन। तब तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जो नई नई रेसिपीज आती रहेंगी हमारे चैनल के थ्रू, वो आपको फटाफट मिल जाएंगी। तो दोस्तों, हम सबसे पहले गट्टे बनाने के लिए ले लेंगे बेसन। करीब हम 1 से 1.5 कटोरी बेसन लेंगे। अगर आप लोग इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा बेसन इसमें और डाल सकते हैं। तो हमारे गट्टे बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया बेसन। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। हाँ दोस्तों, हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे ताकि जो बेसन होता है उससे आपको एसिडिटी वगैरह नहीं होगी। और फिर आप इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। और उसके बाद डालेंगे आप इसमें, अगर आपने 2 कटोरी लिया है तो आप 2 चम्मच मिर्ची डाल सकते हैं, लाल मिर्च। या फिर अगर आप लोग कम खाते हैं मिर्ची तो आप कम डाल सकते हैं, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। धनिया पाउडर 2 चम्मच। याद रखिए, आप बेसन की चीज़ बना रहे हैं तो इसमें आप हल्दी नहीं डालेंगे। 2 चम्मच नमक और थोड़ा सा खाने का सोडा। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा खाने का सोडा डालेंगे आप, ताकि आपके जो गट्टे हैं, राजस्थानी गट्टे, फूले फूले शानदार से बने और आप लोगों को खाने में मज़ा आए, और जिसे भी आप खिलाएं वो भी आपके खाने की तारीफ करें। इसके बाद आप इसमें 1 या 2 टीस्पून ऑयल भी डाल सकते हैं और इसे आप टाइट गूँथ लेंगे। हाँ दोस्तों, ये आपको बिल्कुल ही टाइट गूँथना है। तो दोस्तों, हम इसमें 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डालेंगे। अब आप देखिए, हमारा जो ये पेस्ट है गट्टे का, ये तैयार हो गया है। अब हमें इसे क्या करना है, इसे टाइट गूँथ लेना है। इसके लिए हम सबसे पहले इसे अच्छे से मैश कर लेंगे, ताकि हमने जो भी सारा मसाला डाला है इसमें वो अच्छे से मैश हो जाए और एक ही जगह पे ना रहे। इसके लिए आप साइड में क्या करेंगे, इसमें हम फिर पानी डाल के अच्छे से मसाला मिलाने के बाद इसे गूँथ लेंगे। आप हमेशा याद रखिए, इसका जो गट्टे का गूँधा हुआ ये बेसन होगा, ये थोड़ा टाइट होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे गट्टे बहुत ज़्यादा क्रंची क्रंची और टेस्टी बने। तो हम इसे गूँध लेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, हमारा गट्टे का आटा अच्छे से गूँध के रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके लिए इस आटे की छोटी छोटी लोई बनानी है, जिससे हम गट्टे तैयार करेंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसे हमने ये लिया, इसकी लोई बनानी है। तो ये जो आपने ये लोई लिया है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको जो भी बर्तन में आपने आटा गूँधा है उसमें इस तरह से अपने हाथ से लंबा कर लेना है। तो ये जो है, ये आपका गट्टा तैयार हो गया है। तो इसे हम पानी में उबालेंगे। तो साइड में आप जाइए, कोई भी भगोनी लीजिए, कढ़ाई लीजिए, कोई भी बर्तन में पानी उबालने के लिए हम रख देंगे। तो इस तरह से हम गूंधे हुए आटे को छोटा सा तोड़ेंगे, उसे इस तरह से लंबी गोली बनाएंगे, परात में या किसी बर्तन में रखेंगे और उसे अपने हाथ से इस तरह से लंबा कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे गट्टे के, वो जो पानी में उबालना है उसके साइज तैयार हैं। ठीक है, तो ऐसे हम इस पूरे, तो फ्रेंड्स, ये हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। इसमें हमने जो ये गट्टे के स्लाइसेस बनाए थे, इनका हम इसमें अच्छी तरह से डाल देंगे। ये हम सारे स्लाइसेस इसमें डाल देंगे और फिर इस उबलते हुए पानी में हम जो ये स्लाइसेस डालेंगे, इन्हें 1 या 2 मिनट के लिए पकने देंगे। पर आप याद रखें, अच्छे से जब ये पक रहे हों तो इन्हें किसी भी करछी से हिलाते रहें, ताकि ये चिपके नहीं। तो अब हम इसे 2 मिनट तक पकने देंगे। तो दोस्तों, हमारे ये जो गट्टे के स्लाइसेस हैं, पक रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारे गट्टे उबल गए हैं, ये उबल के फूल गए हैं क्योंकि हमने इसमें सोडा डाला था। अब हम इसे बंद कर देंगे, उसके बाद अपने गट्टे इस पानी में से निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हमारे गट्टे रेडी हो गए हैं। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये फूल गए क्योंकि हमने इसमें सोडा डाला है, इससे बहुत ही क्रंची और टेस्टी लगेंगे। तो हम इन सारे गट्टों को एक बर्तन में निकाल लेंगे और फिर इसे, हाँ तो दोस्तों, हम उसके बाद ये जो हमारे उबले हुए स्लाइसेस हैं बेसन के, इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे। आप इसे चाकू से भी काट सकते हैं, या फिर अगर आपके पास झाड़ी है तो ये झाड़ी निकल भी लेती है, तो इससे भी आप काट सकते हैं। और इस तरह से कटने के बाद आप ये देखिए, आपके छोटे छोटे गट्टे के जो पीसेस हैं ये तैयार हैं। अब आपको इनकी सब्जी बनानी है, तो आपके बन जाएंगे शानदार राजस्थानी गट्टे। तो अब चलते हैं हम इसकी सब्जी बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम बनाएंगे गीले गट्टे की सब्जी। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, 2 चम्मच टीस्पून ऑयल डालना है। ये हमने ऑयल डाल दिया, ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देना है।
अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग हमने इसे डाल दिया। अब हम डालेंगे जीरा, एक चम्मच जीरा डालेंगे ताकि कुरकुरा का स्वाद आए। और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये पानी हमने इसलिए डाला है ताकि हम इसमें मसाले को पकाएं। अब हम इसमें डालेंगे डेढ़ चम्मच धनिया, दो से डेढ़ चम्मच के बीच में आप डालेंगे धनिया डाल दें। इसके बाद ये गीले गट्टे हैं तो इसमें हल्दी एक चम्मच डलेगी। ये एक चम्मच हल्दी डाल दी हमने, लाल मिर्च डेढ़ चम्मच और नमक डेढ़ चम्मच। इसके बाद हम मसाले को अच्छे से पकने देंगे ताकि जब मसाला पक जाएगा तो उसके बाद कच्चा मसाला मुंह में नहीं आएगा, सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। कुछ लोग दही डालते हैं गट्टे में, तो आप चाहें तो इसमें एक चम्मच दही भी डाल सकते हैं, पर हम लोग ज़्यादा खट्टा नहीं बनाना चाहते गट्टे को, इसीलिए हम इसमें दही इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अब इस मसाले को हम 2 मिनट पकने देंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा मसाला पक गया है, सब्ज़ी में तरी आ गई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़े से कटी हुई हरी मिर्च के पीसे डाल देंगे जो हमारी सब्ज़ी को स्पाइसी और कुरकुरा बनाएंगे। अब इसके बाद हम इसमें जितना हमें पानी डालना है सब्ज़ी में उतना पानी इंक्लूड कर देंगे। ये देखिए हमें इतना पानी इसमें डालना है डेढ़ चम्मच मसाले के हिसाब से, और इस पानी को 2 मिनट उबलने देंगे, फिर हम इसमें हमारे गट्टे के स्लाइसेस डालेंगे। तो ये हमारा पानी अभी उबल रहा है, इसे 2 मिनट के लिए उबलने दें, फिर इसमें गट्टे के स्लाइसेस डालें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो सब्जी का पानी है अच्छे से उबल गया है। अब हम इसमें जो हमारे गट्टे के स्लाइसेस थे वो डाल देंगे, थोड़ा दूर से डालेंगे। ये हमारे स्लाइसेस हमने इसमें डाल दिए हैं जो गट्टे के स्लाइसेस हैं, और इसे डालने के बाद जो हमारी गैस की आँच है उसे हम कम कर लेंगे, और इसमें हमारे गट्टे, ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसमें हमारे सारे गट्टे डाल दिए सब्जी में, और फिर वापस से गैस को थोड़ा सा तेज कर देंगे, और इसके बाद एक बार चम्मच से हिलाएंगे और इसे 2 मिनट और उबलने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट बाद हमारे गट्टे की झोलदार रस्सेदार सब्जी, शानदार सब्जी तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे और उसके बाद खाएंगे लच्छेदार पराठों से, बाटी से, चपाती से, बाफलों से, और इन्जॉय करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारी गट्टे की सब्जी, राजस्थानी मशहूर गट्टे की गीली सब्जी तैयार है। तो इन्जॉय कीजिए और टेक केयर कीजिए अपना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।